है कि जिनको मैं और आप सुनते चले जाएं। इसलिए किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी बल्कि तरुण ऊर्जा के हवाले से कि जिस तरह से पूरी दुनिया में एक ही सूरज है, जिस तरह से पूरी दुनिया में एक ही चांद है, बिल्कुल उसी तरह से पूरी कायनात में एक ही मलिका तरुण ऊर्जा है। शी वॉज सो यूनिक, शी वॉज सो सुपर कि हमने आपका अगर ताली बजाने को दिल कर रहा हो तो आप बजा लीजिए और अच्छी वाली ताली बजा लीजिए। मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ताली के हवाले से हमेशा कहता हूँ कि ताली जो है वो या तो होती है या फिर नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मोहब्बत या होती है या फिर नहीं होती। भाई अप्रिशिएट करना है तो फिर अच्छे तरीके से किया जाए, अदरवाइज तो सर पर रहने दिया जाए ना। अच्छा, मौसीकी के हवाले से कहते हैं कि मौसीकी में जब तक सारे सुर सच्चे और सुच्चे न लगे गले में नूर नहीं आता, दिल के सब जख्म लौ ना दें तो हरफों में रोशनी नहीं आती। मलिका तरुण ऊर्जा का कमाल ये था कि वह हरफों में रोशनी डालना जानती थी। उन्हें पता था कि किस हर्फ को मैंने किस तरह से अदा करना है और फिर उसका तासुर किस तरह से उभरेगा और कौन सी हीरोइन पर ये गाना पिक्चराइज किया जाएगा, किस मूड का और किस मोड का ये गाना है और किस तरह से इसको अदा किया जाए कि ये गाना जो है वो आने वाली नस्लों के लिए एक ही खूबसूरत सा बन जाए। मलिका तरुण ऊर्जा यूनिक खातून थी। उनका एक और कमाल ये था कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी गाया, कई दहाइयाँ उन्होंने गाया और क्या कमाल गाया, लेकिन उन्होंने शागिर्द बनाने में ज़रा बड़ी कंजूसी से काम लिया, लेकिन एक खातून को उन्होंने अपना शागिर्द किया और गंडा बन शागिर्द किया, जो हमारी ज़ुबान होती है उसमें गंडा बन शागिर्द बाकायदा शागिर्द उन्होंने किया, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर उन्होंने देखा होगा कि इस शागिर्द में ये खूबियाँ होनी चाहिए। लेकिन फिर शागिर्द का भी कमाल ये है कि उसने अपने उस्ताद को इस तरह से अपने आप में समोया कि आज भी जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें यकीनन मलिका तरुण ऊर्जा की झलक उनमें नज़र आती है। वही साड़ी का स्टाइल, वही मेकअप, वही जूड़ा, वही बालों में फूल और बिल्कुल वही आवाज़, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मलिका तरुण ऊर्जा की छवि जो है वो आपके सामने आ गई हो। मलिका तरुण ऊर्जा के दो बेटे और चार बेटियाँ थीं, बायोलॉजिकल उनके चार बेटियाँ और दो बेटे रहे, लेकिन उनकी इस गायकी की विरासत को लेकर आगे बढ़ी तरन्नुम नाज। हाँ बिल्कुल, तरन्नुम नाज, जिन पर तरन्नुम को भी नाज है और जिन पर मलिका तरुण नूरजहाँ को भी नाज है। सो खवातीनो अज़ान, वी आर लकी इनफ दैट शी इज़ हियर। एक लेजेंडरी सिंगर, एक ऐसी फनकारा जिसने मलिका तरुण नूरजहाँ के तमाम तर गीत जिसको अजबर हैं और जिन्होंने मलिका तरुण नूरजहाँ को घोट के पिया हुआ, मैंने हमेशा कहता हूँ इन्होंने इस खूबसूरत अंदाज में मलिका तरुण नूरजहाँ को गाया और उनके अपने सीने में समोया हुआ है कि हाँ आपको लगता है कि हाँ मलिका तरुण नूरजहाँ एक बार फिर कहीं से कहीं। और अगर हमारे किसी जनरेशन ने, अगर हमारे किसी बच्चे ने उनको नहीं देखा हुआ मलिका तरुण नूरजहाँ को, तो आप इनको देखिए, आपको हाँ लगेगा कि वाकई यहाँ पर ये उनकी जो है वो वाकई ये उन्हीं की विरासत को आगे लेकर बढ़ने वाली। खवातीन आज़ाद, बहुत सारी मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिएगा। आई एम ऑलवेज प्राउड जस्ट अनाउंस दैट शी इज आवर ओन सिंगर, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान, एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस यूनिक लेडी। आई मस्ट से हियर कम्स मलिका तरुण नूरजहाँ की अकलौती खास शागिर्द जिन्होंने मलिका तरुण नूरजहाँ की गायकी को आगे बढ़ाया है। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाती है मोहतरमा तरुण दास। बल्कि उन सब की जो कि मलिका तरुण नूरजहाँ जी को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, और खसूसी तौर पे ज़ुल्फ़िकार ज़ुल्फ़ी साहब, इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनके होते हुए इतने अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं कि ये नहीं कि ये सामने बैठे इनकी तारीफ़ है। मैं वैसे भी इनकी तारीफ़ किया करती हूँ कि जितने इनके दौर में मौसीकी के प्रोग्राम हुए किसी भी डायरेक्टर के दौर में इतने प्रोग्राम हुए। अलहमरा आर्ट काउंसिल की शुक्रगुजार जिन्होंने मलिका तरुण नूरजहाँ जी को ट्रिब्यूट दिया और हम लोगों को आपकी खिदमत का मौका दिया। काबिल तो नहीं हूँ कि उन जैसा गा सकूँ,
बस थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती हूँ। ये राग मारवा में है, बोल सरगम इसका नाम है। ये 101 बोल की ये चीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। लाजक साहब की शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे और सुरीले और समझदार म्यूजिक अरेंज किया है, इनके लिए बहुत सी तालियां। रात की से आई
माफ़ी के साथ ही साथ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि मैडम जी का गाना जो भी गाएगा वो खुल के सामने आ जाता है कि वो कितने पानी में है, क्योंकि मैडम ने जो भी गाया, जैसे पंजाबी गाया, उर्दू गाया, क्लासिकल गाया, उसको इस अंदाज से गाया कि वो उनकी जगह लेनी। अब जैसे मैं ये शुरू कर रही हूँ हम नानक कथा, आप इसमें आपने गौर करना है कि कितनी बारीक और कितनी मुश्किल जगह है, उस पर पूरा उतरना सबके पास की बात है। हम ना नखत है ना गुल है जो महक दे जावे, हम ना नखत है ना गुल है जो महक
ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈਰੀ
टाइम कम है फरमाइश। Okay.